अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्टीनेंट्स के हवाले से, यानी कि दुनिया में जो 6 कॉन्टीनेंट्स हैं, 6 बड़े आज़म हैं, उनको इटालियन में कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट ऑफ जो सबसे पहला नंबर पर है लिखा हुआ है, ये है अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है, तो इसे उर्दू में भी तकरीबन अफ्रीका ही मिलता जुलता बोलते हैं, तो इटालियन में इसे बोलेंगे अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कॉन्टिनेंट्स जो हमें नज़र आ रहा है वो है एउरोपा। एउरोपा, और उर्दू में इसको कहेंगे यूरोप, तो इटालियन में इसे कहेंगे एउरोपा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो है आसिया। आसिया, ठीक है, एस जो है ना जेड की साउंड देगा, आसिया। ठीक है, और इसको उर्दू में, जैसा कि आपको पता है कि इसको उर्दू में जो है एशिया बोलते हैं। ठीक है, आसिया को उर्दू में एशिया बोलते हैं, और एशिया वो बड़े आज़म है जिसमें हमारे हो गया बांग्लादेश, हो गया पाकिस्तान, हो गया तो इंडिया, हो गया चीन, हो गया ये सारे कंट्रीज़ जो है ना एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। ठीक है, एशिया में। उसके बाद जो है नेक्स्ट, अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी कि शुमाली अमेरिका। ठीक है, उसके बाद जो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है ये है जनूबी अमेरिका, और उसके बाद है ओशियानिया। ठीक है, उसके बाद है ओशियानिया। ओशियानिया ये है ओकियानूस। ठीक है, इसको उर्दू में कहेंगे ओकियानूस। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को बार बार देखें, और कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।